नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यवान। फ्रेंड्स, आज करेंगे हम हरियाणा एसएससी के हरियाणा सिनेमा यानी कि हरियाणा जीके में हरियाणवी सिनेमा। हरियाणा सिनेमा में देखेंगे हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, सफल फिल्म कौन सी थी, सबसे चर्चित फिल्म कौन सी थी और सबसे ज़्यादा अभिनय फिल्मों में किसने किया। देखिए इसके इसमें कैसे करेंगे हम, एक क्वेश्चन और उसके चार ऑप्शन होंगे, ठीक है। आपने देखना फ्रेंड्स कि आपके हिसाब से कौन सा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कब बनी। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जल्दी से आपने अपने माइंड में सोचना है कि आपका आंसर कौन सा, ठीक है। इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी। देखिए बहुत ही क्वेश्चन है, आई होप आप सभी ने इसका आंसर ठीक लगाया होगा, ऑप्शन ए 1970 में। नेक्स्ट है, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों ये थी हरपुल सिंह जाट जुलानी, जो कि 1970 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म के निर्देशक कौन थे। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म जो हरपुल सिंह जाट जुलानी थी, उसका जो कि 1970 में बनी थी, उसका निर्देशक कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आनंद। नेक्स्ट है, बीरा शेरा फिल्म कब प्रदर्शित हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरा शेरा फिल्म के निर्देशक कौन थे। कौन थे दोस्तों, ऑप्शन ए अनूप सिंह। नेक्स्ट है, वीर घटोत्कच फिल्म कब प्रदर्शित हुई। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म कौन सी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहु रानी। नेक्स्ट है, प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म कब प्रदर्शित हुई। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 1983 में, कौन सी थी, बहु रानी। नेक्स्ट है, बहु रानी फिल्म का लेखन कार्य किसने किया। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए देवी शंकर प्रभाकर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्मों में से कौन सी फिल्म है जो सबसे ज़्यादा सफल हुई। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रावल। देखिए सबसे पहली सफल फिल्म कौन सी थी, बहु रानी, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक से सफल फिल्म थी जो, वो थी चंद्रावल। जो पहली फिल्म में इसमें आपने वो नहीं होना है दोस्तों, एक तो थी प्रथम फिल्म हरपुल सिंह जाट जुलानी जो कि 1970 में बनी थी, जिसका निर्देशन आनंद सिंह ने किया था, और सबसे जो पहली सफल फिल्म थी वो थी दोस्तों बहु रानी, लेकिन सर्वाधिक जितनी भी फिल्में बनी थी अब तक की, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा देखी गई है या सबसे सफल फिल्म है उसमें, उसका नाम है चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेल गिल्ला जांगी हरियाणवी फिल्म कब बनी। ये बनी थी दोस्तों 1985 में। निर्माता निर्देशक सुभाष गही का जन्म कौन से जिले में हुआ था। ये दोस्तों रोहतक जिले में। नेक्स्ट है, अभिनेता रणदीप हुड्डा का जन्म किस जिले में हुआ था। ये दोस्तों रोहतक जिले के हैं। और अभी करंट का एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, इनकी जो माताजी है आशा हुड्डा, इन्होंने अभी बीजेपी से चुनाव लड़ने की सोची है, अभी टिकट नहीं मिली है, अभी सिर्फ सोची है। अभिनेत्री जूही चावला का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था।
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म कौन से ज़िले में हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रोहतक में। देखिए ये क्वेश्चन भी एक संशय का क्वेश्चन है कि अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म किसी में हिसार मिलता है, किसी में रोहतक। देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो था रोहतक ज़िले में, लेकिन इनका जो जीवन बीता था वो लगभग हिसार में, इनके ननियाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी सिने जगत के प्रसिद्ध कलाकार सुनील दत्त का जन्म हरियाणा के किस ज़िले में हुआ? ये दोस्तों यमुनानगर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक सोनू निगम का जन्म किस ज़िले में हुआ? ये दोस्तों फरीदाबाद के रहने वाले थे। नेक्स्ट, गायिका रचा शर्मा का जन्म किस ज़िले में हुआ? इनका दोस्तों जन्म हुआ था फरीदाबाद में, और रचा शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये गायिका है, गायन से। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये इन्होंने जज के तौर पे काम किया था, जो जीता वही सुपरस्टार। ठीक है, छोटे बच्चों का ये प्रोग्राम था, जो जीता वही सुपरस्टार, इसमें इन्होंने जज का करियर भी किया था। नेक्स्ट, बॉलीवुड के संगीतकार कौन है जिनका जन्म रोहतक में हुआ था? ये हैं दोस्तों केपी कौशिक। नेक्स्ट, निर्माता निर्देशक टीपी अग्रवाल का जन्म किस जिले में हुआ है? टीपी अग्रवाल सोनीपत से संबंधित थे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, गलत लगे कमेंट करना और शेयर करना। दोस्तों इसके अलावा और भी कोई वीडियो बना रखी है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।